आता है कि ये कुरान की आयत जब ये आती है सूरह बकरा की आयत नंबर 26 में, युजल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कि इससे इस कुरान से अल्लाह बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है। अब आदमी पढ़ लेता बोले देखो कुरान में तो लिखा हुआ अल्लाह खुद गुमराह करता है खुद हिदायत देता है, तो फिर तो उसकी इम्तिहान बेकार हो जाएगा। ये दुनिया में भेजा काहे के लिए, इम्तिहान के लिए भेजा, तो इम्तिहान ही बेकार हो जाएगा अगर वो खुद ही गुमराह करने लग जाए कि भाई एक आदमी बेचारा हिदायत पर चल रहा था और फिर उसको गुमराह कर दिया, तो फिर वो तो अल्लाह रोजे कयामत जाएगा अल्लाह से, अल्लाह मेरी तो गलती ही नहीं, गुमराह तो तेने किया, हिदायत तू देता तो मैं सीधा चलता, तेने गुमराह कर दिया तो गुमराह हो गया मैं। तो ये यकीन करने वाली बात है, नहीं करने वाली बात है, तो इस पर यकीन नहीं करेंगे। जबकि अल्लाह ने आगे वहाँ पर फरमाया कि वमा युजिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, कि गुमराह तो वही होते हैं जो नाफरमान है, वही गुमराह होते हैं, वो चले जाते हैं, फिर अल्लाह उनको रोकता नहीं, आज़ादी देकर भेजा उसने, इख्तियार देकर भेजा, वो उसकी तरफ चले जाते हैं, तो वो खुद जाते हैं, अल्लाह नहीं करता किसी को। तो ये भी यकीन करने वाले बात ही नहीं है कि वो तो खुद होते हैं, ये यकीन किया जा सकता है कि अल्लाह करे, तो अल्लाह की तरफ कोई बात ऐसी मनसूब हो जो अल्लाह पर इल्ज़ाम दे, तो ये बात यकीन करने लायक नहीं है, इसको यकीन नहीं की जाएगी। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार पर, उनके अखलाक पर जो बातें आएँ, वो चाहे हदीसों में आएँ या किस्से कहानियों में आएँ, तारीख में आएँ, जो उन पर ऐसे किरदार को ख़राब करें, वो बातें हम नहीं लेंगे, छोड़ देंगे उसको, क्योंकि ये बात यकीन करने लायक है ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उनको भेजा इसीलिए कि वो तो मिसाल है दुनिया के लिए, उन जैसी शख्सियत नहीं है, इसके लिए भेजा गया, तो ऐसी बातों पर हम यकीन नहीं करेंगे। तो ये है कि जहाँ जहाँ पर भी ये बातें जो आती हैं, जहाँ भी ये आएगा कि इन अल्लाह युजिल्लु मैयशा, जहाँ पर भी ये आता है, तो यहाँ कि अल्लाह जिसे चाहता नहीं, कि जो वो जो चाहता है तो वो गुमराह होता है, वो जो चाहता है वो गुमराह होता है, तो आप उसको कोष्टक के अंदर उसको आप ये लगा लें, लिहाजा भी ये बात आई, क्योंकि अल्लाह की तरफ ऐसी बात मंसूब नहीं की जा सकती जो यकीन करने लायक नहीं, नहीं तो फिर इम्तिहान का और या भेजे जाने का कोई मकसद नहीं रहेगा और कोई उसका बेमानी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये इसको हम भी ध्यान रखें, तो ये जो गुमराह करने का काम है अल्लाह क्यों करेगा, शैतान का काम है, वो करता है गुमराह लोगों को, और इसलिए अल्लाह ने कहा कि शैतान के बहकावे मत आओ, देखो आदम को भी उसने निकलवा दिया जन्नत से, वो तुमको भी यहाँ पर बहका देगा, इसलिए तुम उसके जो है उसके कदम ब कदम ना चलो, और शैतान है तुमको अंधेरे की तरफ ले जाता है, अल्लाह तो तुम्हारे को रोशनी की तरफ ले जाता है, तो वो तो नूर देने वाला है, रोशनी की तरफ देने वाला है, हिदायत की तरफ ले जाने वाला है, वो क्यों गुमराह करेगा, तो गुमराह नहीं कर सकता, यकीन वाली बात नहीं है। और यहाँ अल्लाह ने एक और जगह फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 257 में फरमाया कि अल्लाह अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनल ज़ुलमाती इलन नूर, कि अल्लाह तो है ईमान वालों को मददगार है और वो लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है, वो ले जाता है। तो अब ये मैयसा यानी कि जो खुद चाहता है कि मैं अंधेरे में जाना चाहता हूँ तो अल्लाह छोड़ देता है जा अंधेरे में, और जो चाहता है कि मैं रोशनी की तरफ आना चाहता हूँ तो अल्लाह कहता है कि उसके लिए बढ़ा देता है, तो हिदायत देता वही है लेकिन बिना किसी के मांगे हिदायत नहीं देता, उसकी तरफ कोशिश करनी पड़ती है, ये किसी के लिए दुआ से भी नहीं हो सकता, दुआ से कुछ हो सकता है कि ठीक है अल्लाह उसका दिल को पलटे, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो जब मान लो कि एक दूरी है 100 कदम वहाँ पर जाकर मंजिल है, वहाँ पहुँचना कामयाब है, तो एक कदम ये चल देता तो अल्लाह फिर 99 कदम उसके लिए आसान कर देता है और उसकी तरफ खींच लेता है, ये उसका हिदायत देना है, लेकिन आना तो उसके पड़ेगा, ये नहीं कि ऐसा कि नहीं आदमी को रात में सोया था सुबह उठ गया हिदायत आ गई, जब तक खुद गौर फिक्र ना करे सोचे नहीं तब तक उस पर हिदायत नहीं आती। आगे यहाँ फरमाया कि वह यहदी इलैही मन अनाब, तो तुम्हें क्या करना है इन चीज सब चीज़ों से निकलने के लिए, तुमको क्या करना है, कैसे समझोगे क्या, तो अल्लाह ने यह फरमाया कि तुम जो उसकी तरफ पलटो वो तुमको सीधी राह को दिखा देगा, और वो गुमराह उसको छोड़ देता है जो खुद गुमराह होना चाहता है, तो उसकी तरफ तुमको पलटना होगा तो फिर वो तुमको जो उसकी तरफ ले लेगा। तो जो यकीन नहीं है तो कभी ऐसी बात को हमको मानने की ज़रूरत नहीं, जो यकीन काबुल नहीं तो ऐसी बात हो नहीं सकती जो अल्लाह की तरफ मनसूख करे जैसे। और ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये भी है कि जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाया गया, तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, सूरह नूर में पूरी तफसील है, शुरू से लेकर जो हम देखते हैं तो 15-16 तक आया तक यही तफसील मिलती है कि उन पर जब इल्ज़ाम लगाया गया तो अल्लाह ने क्या कहा था वहाँ पर, आयत नंबर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 15 में फरमाया कि तुम्हारी ज़ुबानों से ऐसी बात तुम कहते हो जिसका तुम्हें इल्म और यकीन न था, वो सुनते ही क्यों नहीं कह दिया कि बात झूठ है। तो हमको जब ऐसे किस्से कहानियाँ मिलेंगी जो अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम दे कि फरिश्ते भेजे और ये किया वो किया और गुमराह करता है, तो फौरन क्यों नहीं कह दिया बात झूठ है। जब
और अल्लाह के रसूल सल्लम के लिए कोई बात आई है तो फिर जब ये आयशा रजी अल्लाह जैसी उनकी बीवी के बारे में आई तो अल्लाह ने उनकी जो है क्लियरिफिकेशन के लिए कह दिया कि तुमने फ़ौरन क्यों नहीं बोला कि वो झूठ है, जबकि हालांकि वो गवाह भी नहीं लाए पूरी तफसील बयान की और वो वैसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और तुमको, और उसके अंदर फिर ये है कि कुछ उसके अंदर सहाबा भी उसके अंदर आ गए थे उस बात के अंदर, तो इसलिए अल्लाह ने वहाँ कहा कि तुमने फ़ौरन क्यों नहीं कह दिया कि झूठ है, जबकि हम उसकी जो उससे पहले जो है सूरह अज़ाब के अंदर अल्लाह ने जो इनके ताल्लुक से बता दिया गया था कि ये तो मोमिनों की माँ है और ये औरत जैसी नहीं है, और अल्लाह ने उनकी ईमान की तस्दीक कर दी, तो तुमको जब मालूम था तो तुमने फ़ौरन क्यों नहीं कह दिया कि इल्ज़ाम झूठा है। तो जो भी ऐसी बात आएगी तो हम उस ऐसी बात को क्यों हम उसकी तफसीर और तफसील का इंतजार करें, फ़ौरन कह दें बात झूठ है, ये हो ही नहीं सकता। जो अल्लाह के रसूल सल्लम किरदार को ख़राब करे, जो अल्लाह पर इल्ज़ाम करे, तो उसको हम नहीं मानेंगे, तो मुमकिन नहीं है, तो उस पर यकीन नहीं करना चाहिए क्यों करें। और इसके लिए जो फिर अल्लाह गुमराह करे तो ये भी नहीं होगा, इसके लिए कोई अरबी जानने की ज़रूरत नहीं कि अरबी का आलिम होगा वही बताएगा, ये तो अक्ल की बात है कि हम जिसको रब को मानते हैं वो रब हिदायत देने वाला है, हम चीख चीख कर कह रहे हैं, वो सब लोगों को दावत दे रहे हैं कि भाई उस अल्लाह की तरफ आओ, और फिर उस पर इल्ज़ाम लगाएं कि गुमराह कर देगा, और फिर ये शैतान और ये और फरिश्ते को ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये चीज़ें नहीं होती है, तो फिर इसके लिए तो अरबी जानने की भले अरबी नहीं आती तो भी यकीन करने की बात ही नहीं कि हमारा रब ऐसा नहीं कर सकता। तो ये है कि अल्लाह के कानून के खिलाफ़ है, जो उसने कानून बनाया उसके कानून के खिलाफ कोई बात आएगी तो उस पर यकीन करने वाले नहीं है।